तो आज के दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे बेबी डॉग कॉइन के बारे में। बेसिकली इसकी कुछ न्यूज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इसमें इफेक्ट डाल सकती हैं, तो इसके प्राइस के ऊपर डिस्कस करेंगे और आने वाले टाइम पे क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्या इसकी न्यूज़ है, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। मैक्सवेल के वीडियो को आप पूरा देखो और इस तरह के जो भी अपडेट है, क्रिप्टो मार्केट के अपडेट है कॉल से, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। साथ में अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल के ऑप्शन को प्रेस करना है। तो बेबी डॉग कॉइन की प्राइस अगर हम यहाँ पे देखें तो लगभग 80 के बाद इसकी प्राइस आपको डॉलर्स में देखने को मिल रही है, और इस हिसाब से अगर हम देखें तो बेबी डॉग कॉइन में काफ़ी सारे ऐसे न्यूज हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली अगर हम बात करें तो बेबी डॉग कॉइन पे ठीक हमें शिबा इनू की तरह हमें यहाँ पर कुछ सिनेरियोस देखने को मिल रहे हैं। आपको याद होगा शिबा इनू में कई सारे न्यूज हमें लगातार देखने को मिले, जहाँ पर इसके पेमेंट से लेकर इसके लिस्टिंग तक के कई सारे न्यूज और कई सारे हमें यहाँ पर इवेंट्स या फिर कई सारे इसके अनाउंसमेंट देखने को मिले थे। तो सबसे पहले बेबी डॉग कॉइन के न्यूज के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसके न्यूज़ को देखोगे तो बेसिकली ये अभी FCF पे, जो कि एक क्रिप्टो पेमेंट गेटवे है, उसमें ये बेबी डॉग कॉइन को लिस्ट किया गया है, जहाँ पर आप इसे एज ए पेमेंट सर्विस के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर एक वोट हुई थी जहाँ पर आप देख सकते हो आवर कम्युनिटी द FCF फैमिली वोटेड फॉर बेबी डॉग कॉइन। तो जो FCF के जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने यहाँ पे वोट किया है ताकि बेबी डॉग कॉइन को एज ए पेमेंट सर्विस के लिए यूज किया जा सके। इसके बाद अगर हम देखें तो नाउ पेमेंट्स, इसने भी यहाँ पर एज ए पेमेंट सर्विस के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं। पर आप देख सकते हो देन टेक कंपनी दैट शुड एक्सेप्ट बेबी डॉग वी विल स्टार्ट एट द रेट eBay। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो बेबी डॉग को यहाँ पे नाउ पेमेंट जो है वो भी एज ए पेमेंट सर्विस के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का न्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में अगर हम बात करें टॉप 3 मीम कॉइन्स में तो डॉग कॉइन, शिबा इनू, इसके बाद हमें यहाँ पर बेबी डॉग का नंबर देखने को मिल रहा है। तो इन तीनों मीम टोकन में अगर हम बात करें तो बेबी डॉग पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इस टोकन पे भी आपको अच्छी खासी इफेक्ट देखने को मिल सकती है। बेबी डॉग के अगर बर्निंग के बारे में बात करें तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी बड़ी बर्निंग यहाँ पे बेबी डॉग पे हमें देखने को मिली है, और ये न्यूज़ ये जो बर्निंग हुई है लगभग यहाँ पर 7-8 दिन यहाँ पे हो चुके हैं। तो अब तक की अगर बर्निंग के बारे में बात करें तो लगभग बेबी डॉग टोकन्स में 46% तक का बर्निंग यहाँ पे हो चुका है। दोस्तों जब भी मीम टोकन की ट्रेंड होती है तो इस तरह के न्यूज मीम टोकन में काफी ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे शिबा इनू के भी कुछ बड़े न्यूज थे जिस कारण से एक बड़ा हमें इफेक्ट देखना चाहिए था, बट अभी फिलहाल बेयर मार्केट है जिस कारण से शिबा इनू में कुछ खास पंप हमें देखने को नहीं मिला। बेबी डॉग कॉइन पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें भी एक अच्छी इफेक्ट देखने को मिल सकती है, लेकिन BTC की प्राइस अगर हम बात करें तो यहाँ से चांसेस है कि BTC का प्राइस हो सके तो अपने फिर से एक बॉटम को यहाँ पे टच करें, और ये बॉटम हो सकता है 15,000 से 16,000 डॉलर पे भी। तो ऐसे सिचुएशन पे जाहिर सी बात है कि बेबी डॉग कॉइन का प्राइस या फिर किसी भी कॉइन हो, कोई भी तरह का प्रोजेक्टेबल कॉइन हो, वो भी इसमें डाउन देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा आप इसके सिनेरियोस को वेट कर सकते हो, आप बेबी डॉग कॉइन पे नज़र रख सकते हो। अगर बिटकॉइन का बॉटम आपको 15,000 से 16,000 डॉलर पे देखने को मिलता है तो उस टाइम बेबी डॉग कॉइन की प्राइस जाहिर सी बात है कि डाउन आएगी, लेकिन वहां से अच्छी खासी यहां पे पंप कर सकती है। तो अभी किसी भी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट आई थिंक कि बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर बेबी डॉग कॉइन की मार्केट कैप बात करें तो 169 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। साथ में इसकी सप्लाई अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ी सप्लाई है जो कि मीम टोकन पे हमें देखने को मिलती है। इस तरह के जितने भी मीम टोकन हैं ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा पंप हो चुके हैं, फिर ये डंप हो रहे हैं, फिर पंप हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे अगर आपको इन्वेस्ट करनी है तो अभी बेयर मार्केट में थोड़ा कम करना है। अगर बिटकॉइन का बॉटम आपको देखने को मिलता है 15,000 से 16,000 डॉलर पे अगर आपको देखने को मिलता है तो वैसे सिचुएशन पे आप थोड़ा ज़्यादा कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल बेयर मार्केट में किसी भी कॉइन टोकन पे आपको थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करनी है। बात करें अगर बेबी डॉग कॉइन को आपने होल्ड कर रखा है तो फिलहाल आपको होल्ड ही रखनी है, क्योंकि बिटकॉइन का बॉटम जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 15-16 अगर देखने को मिलता है तो वहाँ से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चांस बनेगा कि एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल सके, और यह पंप बेबी डॉग कॉइन के साथ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि बेबी डॉग कॉइन का ये सब न्यूज भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर है और सिनेरियोस बता रहे हैं कि बेबी डॉग कॉइन के जो यहाँ पर डेवलपर्स है वो अच्छे यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे बेबी डॉग कॉइन पे भी अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये फिलहाल कुछ न्यूज थे बेबी डॉग कॉइन की। बाकी जो भी रिसेंट न्यूज हो वो मैं अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट करूंगा, साथ में यूट्यूब पे भी नोटिफाई करूंगा। मेक श्योर कि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।